दोस्तों अगर आप 250 सीसी सेगमेंट में कोई नेकेड स्पोर्ट बाइक लेने वाले हैं तो इंडियन मार्केट में आपके लिए नया विकल्प उपलब्ध है। और स्क्रीन पे जो आप बाइक देख रहे हैं ये है हस्क्वर्ना विट पिलेन, और ये 250 सीसी सेगमेंट में एकदम न्यू लॉन्च बाइक है। हस्क्वर्ना वालों ने इंडिया में भी अपनी लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी है, और सबसे पहली बाइक आपको विट पिलेन देखने को मिलेगी जो कि 250 सीसी सेगमेंट में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि 250 सीसी सेगमेंट में KTM की ड्यूक 250 बहुत फेमस है और उन्हीं के डीलरशिप के थ्रू ये भी बाइक आपको मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या नई चीज़ें मिलती हैं और इसका लुक कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, और मैं आपको ऑन रोड प्राइस वगैरह सब कुछ डिटेल से बताऊंगा ताकि आप अपना एक बजट भी सेट कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइड टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो गाइस कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको इसका लुक कैसा लग रहा है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी डिफरेंट लुक है इसका, क्योंकि अगर ये रोड पे चलेगी तो ये आई कैचिंग लुक है इसका। कोई भी देखेगा तो एक बार तो जरूर ही देखेगा, पलट के जरूर देखेगा, क्योंकि मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लुक इसका देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, आपको सारी चीज़ डिटेल में बताते हैं, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको 320 यानी कि 320 mm का आपको एक बड़ा डिस्क साइज का डिस्क मिल जाता है, और साथ साथ आप ABS की चैन भी देख पा रहे होंगे। मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, तो ब्रेकिंग को लेके नो टेंशन। यहाँ पे फ्रंट में आपको जो टायर मिलता है इसकी मैं अगर बात करूँ तो ये 110/70 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर है। नो डाउट कि आपको इस सेगमेंट में ट्यूबलेस टायर तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ ये रेडियल टायर के श्रेणी में भी आता है। यहाँ पे देखिए अगर आपको सस्पेंशन की बात करो तो यहाँ पे आपको WP अपेक्स USD यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलेगा, और मैं ट्रेवल की बात करूँ तो लगभग इसमें आपको 142 mm का ट्रेवल देखने को मिलता है। सस्पेंशन क्वालिटी रोड्स पर डिपेंड करती है कि कैसी देखने को मिलेगी, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल देखिए इसकी, जो आपको हेडलाइट मिलेगी सब आपको फुली LED मिलता है, आपको रिंग शेप में जो है DRLs मिल जाते हैं जो कि इन्हेंस करते हैं इसके पूरे लुक को, और राउंड शेप में ही आपको पूरी LED का शेप मिलता है जो कि इस पूरे ही बाइक के डिफरेंट को काफ़ी जो है मैच्योर करता है। यहाँ पे इसके देखिए जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको फुली LED मिलते हैं और काफ़ी पतले शेप में है, मतलब कि इस पूरे बाइक को ध्यान में रख के बनाया गया है नेकेड स्पोर्ट के तौर पर। आप देखेंगे तो मैं एक खास चीज़ इसमें बताऊँ कि आपको हर एक चीज़ LED मिलती है, मतलब कि आपको फ्रंट हेडलाइट, साइड इंडिकेटर, रियर टेल लाइट, रियर इंडिकेटर, सब कुछ आपको LED मिलता है। और अच्छी बात यह कि इसमें मीटर कंसोल सब कुछ आपको जो है डिजिटली देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए आपको मिलता है जो हैंडल बार है, देखिए यहां पे आपको पासिंग स्विच मिल जाता है, लो बीम हाई बीम स्विच मिल जाता है, और इसके साथ साथ आपको जो है साइड इंडिकेटर स्विच के बाद आपको हॉर्न मिल जाता है, और यहां पर आपको जो है हैंडल बार पर आपको लाइट्स भी मिल जाती हैं, मतलब कि रात में जो है आपकी जो जितनी भी स्विचेस हैं उसके साथ लाइट भी ग्लो करेगी तो काफी अच्छा लगेगा। यहां पर देखिए मीटर कंसोल काफ़ी डिफरेंट लुक देखने में लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कंप्लीट है, मतलब आपको जो है ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और साथ ही साथ इसमें वॉच वगैरह सारी चीज़ आपको जो है कंप्लीट इसमें मिलेगी। इंजन मॉल फंक्शन लाइट तो रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे ABS लाइट भी है, और यहाँ पे आप देखिए काफ़ी डिफरेंट लग रहा है मेरे हिसाब से। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बहुत जल्दी हम इसका टेस्ट राइड करेंगे तो सारी चीज़ और डिटेल से निकल के आएगी। आप कमेंट में बताते चलिएगा कि आपको इसमें क्या चीज़ है जो नहीं पसंद आ रही है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे बेहतर लग रही है। राइट सेक्शन में देखिए आपको यहाँ पर इंजन किल स्विच के साथ आपको पावर स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 9.5 यानी कि लगभग 9.5 लीटर तक आप इसमें फ्यूल भरवा पाएंगे। फ्यूल टैंक का जो शेप आप देखेंगे तो काफी जो है यहां पे अलग टाइप का जो है शेप दिया गया है, और यहां पे देखिए नीचे आते हैं तो यहां पे आपको हॉर्न मिल जाता है, और साथ ही साथ नीचे देखिए आपको जो है जो बड़ा सा कैटलिटिक कन्वर्टर भी यहां पे आपको मिल जाता है। तो इससे ये चीज श्योर हो जाती है कि ये BS6 अपडेट के साथ है, और नो डाउट ये बाइक लॉन्च ही की गई है BS6 के बाद, तो ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रेडिएटर आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आपके इंजन में, इसके इंजन में आपको लिक्विड कूलिंग का सिस्टम दिया गया है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है कि आप इससे जो है लॉन्ग जर्नी जो है कर सकते हैं, लॉन्ग राइड रख सकते हैं। मैं बात करूँ अगर इंजन की तो इसमें आपको 4-stroke सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 248.76 cc का इंजन है, लगभग 250 cc का इंजन है, और इसमें आपको 30 PS की मैक्स पावर मिलेगी आपको 9000
7000 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो लगभग 24 न्यूटन मीटर का मिलेगा 7500 RPM पे। तो ये काफ़ी सही चीज़ है मेरे हिसाब से, मतलब पावर और टॉर्क आप देख पा रहे होंगे कि 250 cc के हिसाब से इसमें आपको काफ़ी बढ़िया पावर और टॉर्क मिल जाता है। सीटिंग स्टाइल इसकी मुझे थोड़ा सा अलग लगी, सीटिंग स्टाइल से मैं एक खास चेतावनी आपको देना चाहता हूँ कि इसका जो सीट हाइट है ना वो लगभग आपको 835 यानी कि 835 mm का है। तो गौर करिएगा कि अगर आप शॉर्ट राइडर हैं देन आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इस बाइक को लें, क्योंकि देखिए शॉर्ट राइडर जो है ना, मेरी हाइट 6 feet की है लेकिन फिर भी मुझे इसको चलाने में, मतलब इसके साथ जब मैंने इस पे बैठा और मैंने ट्राई किया कि मेरा पैर कहाँ तक पहुँच रहा है, तो मेरे दोनों पैर आराम से नीचे तक पहुँच रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक कम्फर्टेबल फील आना चाहिए, तो वो जिनकी हाइट अच्छी है ना उनके साथ ये बाइक बहुत परफेक्ट रहेगी, और जिनकी हाइट थोड़ी कम है उनको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो नो डाउट लेने से पहले आप टेस्ट राइड तो लेंगे ही, तो आपको सारी चीज़ डिटेल में पता चल जाएगी। यहाँ पे आते हैं रियर प्रोफाइल में, तो पीछे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो टेल लाइट है ये आपको देखिए यहाँ पे फुली एलईडी टेल लाइट भी आपको मिलती है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसमें सारी चीज़ आपको एलईडी मिलेगा। पीछे आपको जो है ग्रैबरेल स्ट्रॉन्ग ग्रैबरेल मिल जाता है, और पीछे का जो टायर है ये काफ़ी चौड़ा आपको मिलता है, लगभग 150x60 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर आपको जो है पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाता है। और पीछे जो आपको डिस्क मिलता है इसकी मैं बात करूँ तो ये लगभग आपको जो है 230 यानी कि 230 mm का मिलता है, और पीछे भी आप देख पा रहे होंगे क्लियरली कि ABS की चैन लगी हुई है। तो इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, ये काफी सही है, आपकी जो ब्रेकिंग क्वालिटी होगी वो काफी अच्छी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बाइक के साथ है इसकी हैंडलिंग कैसी होने वाली है, तो बहुत जल्दी हम करेंगे इसका टेस्ट राइड और हैंडलिंग के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से हैंडलिंग भी इसकी काफी खूबसूरत होगी, बहुत अच्छी होगी, कंट्रोलिंग काफी बढ़िया होगी क्योंकि डुअल चैनल ABS का सपोर्ट भी है, प्लस ये बाइक बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है तो ये अच्छी बात होगी। और इसमें आपको 6 gears भी मिल जाते हैं, तो 6ठे गियर पर आप स्मूथ राइडिंग जो है फील कर पाएंगे हाईवे पे। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें किक वगैरह नहीं मिलता है, इसकी एक्सपेक्टेशन मत करिएगा, और नो डाउट एक्सपेक्टेशन करना मूर्खता है क्योंकि 250 cc नेकेड स्पोर्ट बाइक में किक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे अगर रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो पीछे भी आपको WP अपेक्स का मोनोसॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, 142 mm का रियर में भी आपको फॉग देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं इसके प्राइस में आपको बता देता हूँ, गौर से सुनिएगा, 180,000 के करीब इसका एक्सोरूम प्राइस आपके नियरेस्ट एजेंसी में देखने को मिलेगा। अगर मैं कंप्लीट बाइक के प्राइस की बात करूं तो गौर फरमाइएगा कि देखिए प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ इसमें इसके एसेसरीज हैं जो ऐड होने के बाद प्राइस 5-6 हज़ार रुपये बढ़ सकता है, और लॉकडाउन के बाद हो सकता है थोड़ा प्राइस और भी बढ़ जाए। तो मैं आपको एक अंदाजे से बता दे रहा हूँ, 210,000 से 220,000 यानी कि 210,000 टू 220,000 के बीच में ये बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिलेगी, जिसमें इसका इंश्योरेंस कागज वगैरह सब कुछ जो है इंक्लूड रहेगा। और मेरे हिसाब से अगर 220 तक बाइक जाती है अगर आपके एरिया में 220,000 तक, तो उसमें तो सारी चीज़ मतलब एसेसरीज वगैरह सब कुछ कंप्लीट रहेगी, और 5 ईयर का आपको फर्स्ट पार्टी का जो है 5+ का इंश्योरेंस आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल इसके प्राइस के बारे में होगी, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप जो है एजेंसी का नंबर मैंने स्टार्टिंग में दे रखा है, आप उनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको और बता दूं कि इसकी सीट हाइट मुझे थोड़ा ज्यादा लगी है, तो लेने से पहले आप ढंग से इसका टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा। और इसका जो वेट है इस बाइक का वो 152 kg यानी 152 किलोग्राम की ये बाइक है, लेकिन ये विदाउट फ्यूल है 152 kg। अगर आप जैसे इसमें फ्यूल फिल करेंगे, पूरा पेट्रोल फिल करेंगे, तो ये लगभग 160+ हो जाएगी, मतलब कि 160+ kg इसका वेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ग्राउंड क्लीयरेंस मैं आपको बता दूं कि 145 यानी कि 145 mm का इसका ग्राउंड क्लीयरेंस है। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि 145 इंडियन रोड्स के हिसाब से हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन जो है इसकी सस्पेंशन क्वालिटी और सारी चीज़ को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि हो सकता है इसका इंडियन रोड्स के हिसाब से ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छा होगा। बहुत जल्दी हम टेस्ट राइड लेके आएंगे, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको ये बाइक कैसी लगी, और आपके कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी DavidRahulJR पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आप कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए, बिना हेलमेट के बाइक राइड मत करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।